चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं गैमिट। गैमिट क्या होता है? ये जो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे गैमिट, GAMET, गैमिट। गैमिट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं युग्मक, युग्मक। अब तो लगता है आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये गैमिट क्या है। टेंथ में पढ़े होंगे युग्मक, गैमिट। तो ये जो गैमिट है, ये गैमिट के बनने की क्रिया को हम लोग गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। यानी जब हम लोग परिपक्व होते हैं, यानी या फिर हम लोग बोले रिप्रोडक्शन की जो क्रियाएं होती है किसी भी जीवों में, वो तीन फेज में होते हैं, तीन चरण में होते हैं। कौन कौन से फेज होते हैं? तो पहला जो होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। यानी अगर हम लोग निषेचन की क्रिया की अगर हम लोग बात करें तो ये तीन चरणों में पूरा होता है। पहले हम लोग देखते हैं क्या है, अगर निषेचन की उससे पहले हम लोग देख लेते हैं गैमिट। तो गैमिट क्या होता है? एक मेल में जो बनता है गैमिट उसको हम लोग मेल गैमिट कहते हैं। मेल में बनने वाले गैमिट को हम लोग मेल गैमिट कहेंगे, और फीमेल में जो गैमिट का निर्माण होता है उसे हम लोग फीमेल गैमिट के नाम से जानते हैं। यानी एक हो गया नर युग्मक, दूसरा हो गया मादा युग्मक। और जब यही दोनों आपस में मिलते हैं, मेल और फीमेल गैमिट को मिलने की क्रिया को फ्यूजन कहते हैं, और जब फ्यूजन की क्रिया होती है तब इस दोनों जब मिलते हैं तो इससे बनेंगे जायगोट। जायगोट, ये जायगोट किसको बोलते हैं? जायगोट का मतलब होता है युग्मनज। जायगोट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं युग्मनज, युग्मनज। तो एक हो गया गैमिट और दूसरा है युग्मनज। तो जब क्या होता है मेल और फीमेल गैमिट आपस में मिलेंगे तो इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? युग्मनज बोलते हैं। आखिर ये मिलता है तो मिला कब? मेल में बना मेल गैमिट, फीमेल में बना फीमेल गैमिट। जब दोनों पास आए तो फिर क्या होता है? यानी सेक्स की क्रियाएं होती है, तो सेक्स की क्रियाएं करने के कारण मेल गैमिट जो होता है फीमेल गैमिट से मिलता है, और मिलने की क्रिया जो होती है वो फर्टिलाइजेशन। लेकिन अभी फर्टिलाइजेशन हम नहीं बोल सकते हैं, अभी हम लोग क्या बोलते हैं? जब दोनों आपस में फ्यूजन किए तो फ्यूजन किया तो जायगोट बन गया, और फ्यूजन किया तो जायगोट बन गया। अब हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन की क्रिया, ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन, निषेचन। तो निषेचन क्या होता है? तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, इसको किसको हम लोग बोलते हैं? मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के मिलने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन हो गया। तो जब मान लेते हैं कि क्या होता है, अब मेल गैमिट जो होता है, मेल गैमिट किसको बोलते हैं हम लोग? तो एस्पर्म को बोलते हैं। मेल गैमिट हम लोग किसको बोलते हैं? एस्पर्म को, एस्पर्म। मेल गैमिट हम लोग बोलते हैं एस्पर्म को। एस्पर्म का मतलब होता है हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसको शुक्राणु, शुक्राणु। और फीमेल गैमिट जो होता है ये ओवम, ओवम कहने का मतलब होता है अंडाणु, अंडाणु। तो जो महिलाओं के शरीर में जिस गैमिट का निर्माण होता है उसे हम लोग अंडाणु कहते हैं, और जो मेल में जिस गैमिट का निर्माण होता है उसे हम लोग एस्पर्म कहते हैं। और ये क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में कि मेल निम्नलिखित में से मेल गैमिट कौन है और फीमेल गैमिट कौन है। तो मेल गैमिट क्या है? एस्पर्म है, शुक्राणु होता है। और फीमेल गैमिट किसको बोलते हैं हम लोग? ओवम को बोलते हैं, या ओभा भी बोलते हैं हम लोग इसको। ये अंडाणु होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होता है? हैप्लोइड होता है, हैप्लोइड। ये हैप्लोइड क्या होता है? हैप्लोइड को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अर्धगुणित, अर्धगुणित। किसको बोलते हैं? जो लोग 11th में पढ़े होंगे सेल डिवीजन उनको पता होगा कि हैप्लोइड और डिप्लोइड क्या होता है। तो हैप्लोइड का मतलब हो गया अर्धगुणित। हमारे अगर ह्यूमन की अगर बात करते हैं तो ह्यूमन के शरीर में जो सेल है और सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होता है, ये क्रोमोसोम की संख्या अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल क्रोमोसोम जो हम लोग के शरीर के अंदर होता है, टोटल क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम क्या होता है? गुणसूत्र होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। तो टोटल जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 46 होते हैं,
क्या होते हैं 46 होते हैं। तो ऐसे मतलब पूरा का पूरा जब रहता है इसमें द्विगुणित होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयड। और जब उसमें मतलब किसी सेल में अगर क्रोमोसोम की संख्या जो हमारे टोटल जो क्रोमोसोम है उससे अगर आधा होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं हैप्लॉयड। और हैप्लॉयड कैसे बनता है, जब हमारे शरीर के अंदर मियोसिस सेल डिवीजन की क्रिया होती है। हम लोग मानव के शरीर में वैसे तो हम लोग बात करेंगे कि सेल डिवीजन की क्रिया तीन होती है, मियोसिस, माइटोसिस और एमाइटोसिस। लेकिन हम लोग के शरीर में दो प्रकार के सेल डिवीजन होते हैं, एक मियोसिस सेल डिवीजन होता है, दूसरा जो होता है माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। तो जब हम लोग क्या होते हैं किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं या मेच्योर हो जाते हैं तब जाके हमारे शरीर के अंदर जो होता है वो मियोसिस सेल डिवीजन की क्रिया होती है। और वही मियोसिस सेल डिवीजन की क्रिया होने के कारण ये 46 क्रोमोसोम जो होते हैं वो दो भागों में बट जाते हैं। और बटने के बाद कितने हो जाते हैं, ये 23 क्रोमोसोम वाला बन जाता है। जब 23 क्रोमोसोम में बट जाते हैं तब इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, गैमिट बोलते हैं। अगर मेल में बना है तो मेल गैमिट, फीमेल में बना है तो फीमेल गैमिट होते हैं। और यही जो होता है जैसे मान लेते हैं कि इधर फीमेल है और इधर क्या है मेल है, तो फीमेल और मेल में दोनों में क्या होता है कि मान लेते हैं जो 46 क्रोमोसोम था, टोटल क्रोमोसोम कितना था 46, और ये दोनों बट गया तो कितना बन गया 23 क्रोमोसोम बन गया। इसमें भी वही बात होगा, 46 टोटल क्रोमोसोम होगा, इसमें से बट करके कितना बन गया 23 क्रोमोसोम बन गया। अब क्या होता है जब मतलब यहाँ पे मतलब सेक्स की क्रियाएं होती है तो मेल का जो स्पर्म होता है वो स्पर्म जाके फीमेल के स्पर्म के साथ मतलब ओहम के साथ जाकर के ये मिलता है। तो 23 इधर से आए और 23 इधर से आए, कितने आ गए टोटल का टोटल 46 क्रोमोसोम बन गया। अब इस क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। मतलब जब दोनों मिल जाते हैं आपस में तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। जो पहले से क्या था, पहले ये दोनों का दोनों क्या था, गैमिट थे। दोनों पहले के पहले क्या थे, गैमिट थे, लेकिन बाद में दोनों गैमिट आपस में मिल गया तो क्या हो गया, जायगोट बन गया। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर एक बन रहा है और वो मैं आप लोग को बताता हूं कि क्वेश्चन क्या होगा, जरा सॉल्व करेंगे। अभी जो कुछ भी बोर्ड है इसी पर, बोर्ड पर से ही क्या होगा क्वेश्चन बन जाएंगे। यहां पर क्या है कि मानव में टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, मानव में टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 46, बी है 48, सी है 47 और डी है 23। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। इसी तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव के गैमिट में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। वो सर तो बताया था 46 क्रोमोसोम होता है, मानव है ना, लेकिन पूरा बात तो याद नहीं है कि टोटल क्रोमोसोम हमने बताया था तो 46 हुआ था, लेकिन यहाँ पे गैमिट मतलब युग्मक, और युग्मक तब बनते हैं जब मियोसिस सेल डिवीजन की क्रिया होती है, मियोसिस अर्धसूत्री होता है, सॉरी माइटोसिस और मियोसिस होगा, और तब जाकर अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होता है तब गैमिट बनता है। और गैमिट में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, आधी होती है। तो आधी कितना हो, 46 का कितना हो, 23 होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 23। तो इस तरह से भी क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आपस में मिलेंगे तो क्या होंगे, अभी हम बताते हैं क्वेश्चन इस टाइप से। जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आपस में मिलेंगे या जब मेल गैमिट क्वेश्चन अगला रहेगा, मेल गैमिट या और फीमेल गैमिट, यानी फीमेल और मेल गैमिट GAMET गैमिट के आपस में मिलने से क्या बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जायगोट बनता है। और उसमें ऑप्शन गैमिट दे दिया गया, जायगोट दे दिया गया, एंडोस्पर्म दे दिया गया, एम्ब्रियो हो गया, तो क्या हो गया, इसमें बनते हैं, जायगोट का निर्माण होता है। तो ये था हम लोग फर्टिलाइजेशन देखे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का आपस में मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया में क्या होता है, गैमिट भाग लेते हैं और वो गैमिट क्या होता है, मेल में जो गैमिट होता है उसे मेल गैमिट कहते हैं, फीमेल में पाए जाने वाले गैमिट को फीमेल गैमिट कहते हैं। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो जायगोट का निर्माण होता है, जायगोट में क्रोमोसोम की संख्या
क्या होती है, द्विगुणित होती है यानी डिप्लॉयड होता है, और डिप्लॉयड होता है ये जैगोट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में खूब, ये जैगोट है वो डिप्लॉयड, डिप्लॉयड का मतलब हो गया द्विगुणित, द्विगुणित। तो जैगोट होता है डिप्लॉयड, डिप्लॉयड गैमेट जो होते हैं वो होते हैं हैप्लॉयड, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, आधी होती है। आगे हम लोग देखेंगे गैमेटोजेनेसिस की क्रिया, अगले दिन हम लोग बात करेंगे जो गैमेट जो आखिर कैसे शरीर में बना, जबकि सौरावस्था में हम लोगों ने प्रवेश किया तो हमारे शरीर के अंतर्गत कैसे गैमेट का निर्माण होने लगता है, तो गैमेट के निर्माण होने की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे।